के जगाधरी रोड पर तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने रॉन्ग साइड जा रही स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर लगते ही स्कूटी सवार महिला 5 फुट ऊपर हवा में उछलकर जमीन पर गिर गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया और एक्टिवा सवार पति पत्नी और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में मौके पर पहुंची 112 नंबर पुलिस की गाड़ी ने तीनों घायलों को उठाकर निजी अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार टक्कर मारने वाला कार चालक सत्ताधारी पार्टी का कार्यकर्ता है। जा उनकी मिसिज और 7 साल का बच्चा, ये जेके रेजिडेंस से शादी से आ रहे थे और जैसे ही ये इधर टर्न करके कन्हैया चौक से इधर ये पेट्रोल पंप के पास आए, इधर से वरना HR 02 AV उधर से फुल स्पीड में उनके ऊपर चढ़ा दी और रुका भी नहीं। ये तो मालिक का शुक्र है, उनकी नेम प्लेट वहीं गिर गई। नेम प्लेट वहीं गिरने से ना हमारे हाथ में कुछ खबर आई। इतने में 112 वाले आए, उन्होंने पूरा सहयोग दिया, वही एडमिट करा के गए। तो उन्होंने अब बच्चों की बहुत क्रिटिकल हालत है, HR 02 AV 4800 नरेंद्र कुमार अरोड़ा, ये माटर टाउन के है जी, भाजपा पार्टी के। और अगले दिन आए 8-10 जने, हम भाजपा के हैं जी, ये वो ये। हमने कहा ना जी, हमारा जो है हमारे बहुत ही बच्चे क्रिटिकल में इस टाइम है, तीनों की नाजुक हालत है। 3 दिन से उनकी मिसिज को अभी कोमा में है, कोई रिकवरी नहीं हो रही थी। हाँ, आपको बता दें कि स्कूटी सवार ये परिवार शादी समारोह से वापस लौट रहा था, जिसके बाद ये हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल तीनों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वही फरार कार चालक सत्ताधारी पार्टी का कार्यकर्ता है, जिस कारण पीड़ित परिवार की कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। वहीं अब पीड़ित परिवार के रिश्तेदार उनके लिए इंसाफ की मांग कर रही है। वहीं अब देखना होगा कि क्या पुलिस इस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाती है या फिर सत्ता का रौब जमा कर ये आरोपी बच निकलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।